तारीख अलग लेकिन दिन एक। रविवार 7 मार्च को सपा अध्यक्ष ने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की और रविवार के ही दिन 30 मार्च को AIMIM चीफ भी मुख्तार के परिवार से मिले थे। लेकिन इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें अखिलेश के साथ अफजाल समेत मुख्तार का पूरा परिवार नजर आया, लेकिन ओवैसी के साथ सिर्फ मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ही दिखे, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि अफजाल अंसारी ने ओवैसी से मुलाकात क्यों नहीं की, जिसका जवाब मुख्तार के भाई ने खुद दे दिया। उन्होंने जो कहा आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले, मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फर्क दोनों के आने में यही था कि एक बजे रात में आया था और एक बजे दिन में आया था। जो एक बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई, और जो एक बजे रात में आया था मैं कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझ पर गम का पहाड़ टूटा है। और ये कमेंट सुशोभित नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि आपके बड़े भाई सिबतुल्ला साहब भी नहीं मिले। ओवैसी से ना मिलने का कारण तो अफजाल अंसारी ने मीडिया को बताया ही, साथ ही ये भी जानकारी दी कि मुख्तार के बड़े भाई सिबतुल्ला अंसारी भी किसी नेता से क्यों नहीं मिले। मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े भाई सोम सलात के पाबंद आदमी हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष है उनका, जब रमजान के महीने में वो 300 रोजा भी रहते हैं और अंतिम 10 दिन एतकाफ कहा जाता है, एक तरह की विशेष पूजा है, ये एक तरह की विशेष इबादत है। तो वो पिछले 50 वर्षों से एतकाफ में मस्जिद के अंदर समय गुजारते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रोजा रहते हैं, वहीं कुरान की तिलावत करते हैं, वहीं सोते हैं। उनका 24 घंटे का रूटीन 10 दिनों तक, ईद किया चांद देखने के बाद ही वो घर लौटेंगे चाहे कैसी भी परिस्थितियां उनकी नहीं हुई। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के 2 दिन बाद ओवैसी उनके घर मोहम्मदाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे से मिलकर उनको सांत्वना दी थी। लेकिन अफजाल अंसारी से न मिलने के बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि सपा प्रत्याशी होने के कारण वो ओवैसी से नहीं मिले। खैर अब तो अफजाल अंसारी ने इस पर सीधा जवाब दे दिया है।